हमें उम्मीद है कि सर्दी तक निकल जाएगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि गांव की कहावत है कि जो यहाँ पे इलाहाबाद का जो मेला भर है इसमें अगर कोई रल जाता है तो अगले साल वो इलाहाबाद के मेले में ही मिलेगा यहीं प्रयागराज के। तो सरकार सर्दी में रली गुम होगी, तो उम्मीद है कि सरकार मिल जाएगी फिर सर्दी में, तो नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है कि चलेगा ये। आप बंगाल भी पहुंचे थे, बंगाल गए ममता के समर्थन में आपने रहे? नहीं नहीं, ममता के समर्थन में नहीं करी हमने, ये करा कि जो सरकार के लोग जा रहे, जो दिल्ली से जा रहे, वो एक मुट्ठी अनाज मांग रहे किसान से चावल। हमने उन किसानों को ये बताया कि जब आप चावल दो, से कह देना कि जी इस पर MSP भी इस पर तय करवा दो और हमको 1850 रुपये इसका मिल जाएगा, इस पर कानून बना दो, ये कहा हमने। नहीं, आपने ये भी कहा, ये कहा कि BJP को वोट नहीं देनी, आप किसी को ही वोट दे दो। हमारा पूरा विरोध है कृषि कानूनों को लेकर, सरकार को ये कहा कि इसको वापसी कर लो आप और MSP पे कानून बना दो। अभी ना इनको वापसी ले रही ना MSP पे कानून बना रही। उनका कहना ये है कि व्यापारी को बहुत नुकसान हो जाएगा MSP पे कानून बनते ही, क्योंकि व्यापारी लूट रही ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे लूट रहे, जो सेलर वाले हैं वे सस्ते में अनाज को लूटते हैं, महंगे में जनता को बेचते हैं। देखो, देश में आंदोलन चलाने पड़ेंगे, मिनिमम रेट और मैक्सिमम आप कितने का खरीद के कितने में बेच रहे हैं, कौन सी एजेंसी इस चीज़ को तय करेगी। आटा, बाजरे का आटा मंगवाया 65 रुपये किलो दिया, किसान का गया 11 रुपये किलो, तो ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए देश। अरे वो तो 2 महीने पहली बात है, नहीं हम बांटने वाली कहाँ कर रहे हैं, वो तो चला गया, उसका कोई इशू नहीं है। कलकत्ता ये कहा कि उन्होंने चावल मांग रहे, वे BJP के जो लोग हैं वो चावल मांग रहे हर घर से। तो हमने ये कहा कि जब चावल मांगो तो उनसे कहा जी हमको इसके MSP दे दो, क्योंकि वहाँ पर 900 रुपये का रेट है धान का, अगर 900 रुपये का रेट है तो MSP मिल जाएगी तो 1850 मिल जाएगा। तो उसके साथ में क्योंकि सरकार दिल्ली में तो मिल नहीं रही, सरकार बंगाल में है, तो जो भी उनसे वोट मांगने आए उनसे कहते हैं भाई हमारी MSP और दे दो और किस पे कानून बना दो, हमको भी लाभ मिल जाएगा। तो ये काम नहीं, क्या विरोध करने गए थे आप? ना ना, विरोध कहाँ करने गए थे, सरकार को ढूंढने गए थे और वहाँ के लोगों को बता गए कि जब भी वे चावल मांग रहे हैं या वोट मांग रहे हैं तो उनको कहना कि MSP इस पे गारंटी वो दे दो, इस पे कानून बना दो, ये कहा। जिस तरह का होता है ऐसे और अन्य शहरों में आप जाएंगे? हाँ, सब जगह जाएंगे भाई, पूरे देश में जाएंगे हम तो। और आज का जो कार्यक्रम था किस लिए था? आज का रीवा में कार्यक्रम है, यहाँ पे मूर्ति का वो माल्यार्पण करा यहाँ पे और यहाँ से अब रीवा चले जाएंगे और कल जबलपुर में।